में समानता क्या है? ये ऐसे ही पूछ रहे हो तुम कि फोर्स में और सेंटीग्रेड में क्या अंतर है? ये दोनों ही बहुत खास, बड़ी विशिष्ट, बड़ी प्रिसाइज टर्म्स हैं, उनमें तुमने समानता कैसे निकाल ली? कोई पूछे कि आचार्य जी एक न्यूटन और एक जूल में क्या अंतर है, तो मैं पूछूंगा समानता कहां से आ गई? दोनों चीजें अलग हैं भाई, डायमेंशंस अलग हैं। अटेंशन का मतलब होता है मन सेवक हो जाए, मन अटेंड करने लगे, मन अटेंडेंट हो जाए, मन सेवक हो गया, मन को कुछ ऐसा मिल गया जो मूल्यवान है तो मन उसके सामने झुक गया, मन प्रार्थी हो गया। ये ध्यान है, मन ने कोई ऊंचा ध्येय बना लिया, मन को अपने से ऊंचा कुछ मिल गया, ये ध्यान है, ये टेंशन है। और अवेयरनेस है इस अटेंशन का आखिरी बिंदु। मन को जो मिला था ध्येय बनाने के लिए, मन उसके निकट आता गया आता गया आता गया आता गया और आकर के अंततः उससे मिल करके विलुप्त हो गया। मन की इस विलुप्ति को अवेयरनेस कहते हैं। अटेंशन और अवेयरनेस एक कैसे हो गए पता नहीं, और वो एक कैसे हो गए जान लो। अध्यात्म को बड़ी बोलचाल की चीज बना लिया जाता है, जबकि अध्यात्म में गणित जैसी, विज्ञान जैसी धार होती है, प्रेसिशन होता है, एग्जैक्टनेस होती है। जैसे तुम गणित में 10 को 15 नहीं बोल देते, वैसे ही अध्यात्म में तुम्हें कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को एक ही नहीं बोल देना चाहिए। पर अधिकांश लोग जो अध्यात्म के क्षेत्र में किताबें लिखते हैं या प्रवचन करते हैं, उनको अंतर पता ही नहीं होता न्यूटन और जूल के बीच का, तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो कभी कह देंगे कॉन्शियसनेस, कभी कह देंगे अटेंशन, कभी कह देंगे मेडिटेशन, कभी कह देंगे अवेयरनेस, और कभी कुछ एक ही शब्द का 5 तरह से इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं भी नहीं पता कि उस शब्द की सटीक एग्जैक्ट व्याख्या क्या है। नतीजा यह निकलता है कि तुम भी दुविधा में पड़ जाते हो, तुम्हारे भीतर भी संदेह आ जाता है। कॉन्शियसनेस अटेंटिव होना चाहती है, समझ लेना, और कॉन्शियसनेस जब अटेंटिव होना चाहती है तो उस अटेंशन के फल स्वरूप कॉन्शियसनेस शुद्ध होकर के, परिष्कृत होकर के मिट जाती है। इस शुद्ध कॉन्शियसनेस को, इस मिटी हुई कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस कहते हैं।